नमस्कार दोस्तों, मैं अपने अगली वीडियो में फिर से आ गया हूँ अपनी हिंदू मातृभाषा में, हिंदी मातृभाषा में कुछ बताने के लिए आप लोगों को। मैं आपको इस छोटी सी वीडियो में रिएक्ट जेएस में वैलिडेशन कैसे करते हैं वो बताने वाला हूँ। और ये जो मैं वीडियोस बना रहा हूँ ये सिर्फ न्यूकमर्स के लिए बहुत इस्तेमाल होने वाला है, क्योंकि जो एडवांस वाले होते हैं उनके लिए मेरे बहुत सारे अलग वीडियोज़ भी है, लेकिन ये जो है वैलिडेशन का बिल्कुल सिंपल वाला तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें मैंने एक इनपुट वैलिडेशन का इनपुट टेक्स्ट लिया है जो बूटस्ट्रैप का इस्तेमाल करके फॉर्म लेके, और एक ड्रॉपडाउन मेनू दिया है। अब ये सबमिट बटन मैंने इस्तेमाल किया है, और ये अलर्ट बॉक्स मेरे को बहुत तामझाम करना नहीं था इसलिए मैंने अलर्ट बॉक्स में आपको दिखा दिया। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, जब मैंने कुछ वैल्यू डाली नहीं तो वो बोल रहा है कि कुछ वैल्यू डालो, अगर मैंने कुछ डाल दिया तो वो बोलेगा ठीक है आपने ये वैल्यू डाल दिया। अब मैं यहाँ पे आपको बोलता हूँ ये ड्रॉपडाउन वैल्यू इज नॉट अ नंबर बोल रहा है, मतलब वैलिडेशन में उसने अपने को अटका दिया। मैं यहाँ पे टेकी सैम लिखता हूँ ताकि याद रहेगा, वो बोल रहा है टेकी सैम डाला, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में ड्रॉपडाउन वैल्यू इज नॉट अ नंबर, मतलब कि जो ड्रॉपडाउन की वैल्यू है ये मैंने सिलेक्ट नहीं किया। अब मैंने सिलेक्ट कर दिया, अब इसने बोल दिया कि ड्रॉपडाउन की वैल्यू 1 है, उसको ड्रॉपडाउन की वैल्यू भी मिल गई, इनपुट की वैल्यू भी मिल गई, और ओके बोल दिया और एक फॉर्म वैलिडेट हो गया। बहुत सिंपल है, मैंने बहुत कुछ कॉम्प्लिकेटेड किया नहीं है इसमें, सिर्फ आपको बताना चाहता था कि हम लोग वैलिडेशन किस तरीके से करते हैं। तो आइए चलिए कोड पे जाते हैं, बहुत सिंपल कोड है दोस्तों। एक सबसे पहले HTML देख लेते हैं हम लोग, रिटर्न क्या कर रहे हैं ताकि वहीं से हमको समझना शुरू हो जाता है। ये बूटस्ट्रैप के फंक्शन से, ये मेरा हेडर है, ये हेडर जो चीज़ होती है ये ऊपर वाला मेरा ब्रांडिंग दिखाता है आप लोगों को, ताकि मैं आपको हमेशा याद रहूं और आपके जहन में रहूं। उसके बाद में ये मेरा टाइटल था, ये रिएक्ट वैलिडेशन वाला, ठीक है। इसके बाद मैंने ऑन सबमिट में ये सबमिट हैंडल लिखा है। इसमें मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जब कौन सा भी फंक्शन ऑन सबमिट लिखा रहता है तो आप लोगों को हमेशा वहाँ पे इवेंट डिफॉल्ट लिखना चाहिए। ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसका रीज़न ये है कि जब भी ये सबमिट टाइप का इवेंट होता है तो एक्चुअली वो फॉर्म को नहीं तो रीलोड कर देगा, और ये रिएक्ट जेएस के इसमें नहीं है, मतलब रिएक्ट जेएस में पेज रीलोड तो होना ही नहीं चाहिए। फिर आपको इसीलिए उसको रोकना है कि जो डिफॉल्ट उसका जो बिहेवियर है वो रोकना है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, नहीं तो पेज लोड होगा और बिगिनर्स को समझ में आता नहीं कि पेज लोड हो रहा है तो अब मैं क्या करूँ, ठीक है। उसके बाद में मैंने इनपुट नाम का एक फॉर्म लेबल ले लिया, ये देखिए यहाँ पे। उसके बाद में अगर आप देखेंगे तो एक इनपुट बॉक्स ले लिया फॉर्म कंट्रोल से, और मैंने ऑन चेंज पे एक फंक्शन कॉल किया। जब भी ये टेक्स्ट इनपुट कॉल होगा, सॉरी चेंज होगा, कुछ तो लिखूंगा मैं, तो ये टेक्स्ट हैंडलर कॉल होगा। चलो देखते हैं टेक्स्ट हैंडलर करता क्या है। ये टेक्स्ट हैंडलर क्या करता है कि एक तो कंसोल में एंट्री मार के दिखाता है। अब ये इवेंट क्या है, ये इवेंट वो है कि जो ऑब्जेक्ट उस फंक्शन के साथ आ रहा है वो ऑब्जेक्ट रहता है। आप इसको कुछ भी नाम दे सकते हो, ई भी दे सकते हो, एक्स वाई जेड भी दे सकते हो। उसके बाद में सेट डमी टेक्स्ट बोल रहा है वो, और इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू करके उसने अपडेट कर दिया। अब ये जो सेट डमी टेक्स्ट है ये क्या है, चलो ये दिखाते हैं। ये यूज स्टेट के साथ इस्तेमाल किया है, ये एक फंक्शन था एनोनिमस, उसको हमने नाम दे दिया, क्योंकि यूज स्टेट जो है, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, ये दो वेरिएबल दो इन्फॉर्मेशन आपको वापस देगा। पहला देगा कि क्या वेरिएबल है वो, उसकी वैल्यू क्या है, और दूसरा देगा एनोनिमस फंक्शन जिसको आप नाम दे रहे हो सेट डमी टेक्स्ट। इसमें आप कॉल करके जो भी डाटा पास कर दोगे वो इसकी वैल्यू सेट हो जाएगी, ये होता है यूज स्टेट का काम। तो मैंने क्या किया कि इस टेक्स्ट हैंडलर में जो जो भी आप टाइप कर रहे थे वो, जैसे भी आप एक टेक्स्ट आपने टाइप कर दिया तो मैं सेट डमी टेक्स्ट को वो एक टेक्स्ट दिखा दिया। मैं आपको कंसोल लॉग में वो दिखाना चाहूंगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत कंफ्यूज होते हैं यार इतना क्यों करना पड़ता है रिएक्ट जेएस में, लेकिन दोस्तों ये करना ही पड़ता है। ये देखिए मैंने 1 लिख दिया तो ये यू एंटर्ड टेकी सैम 1 लिख के आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि स्टेट में पकड़ के रखा था और इसके इवेंट में ये वैल्यू है, और मैंने उसको उठा के स्टेट में सेट कर दिया। और स्टेट में जब मैं सेट करता हूँ सेट डमी टेक्स्ट, तो वो क्या करेगा, डमी टेक्स्ट नाम का जो वेरिएबल है वहां पे जाके वो अपडेट कर देगा, ओके। तो मैंने वैलिडेशन किस तरीके से किया, देखिए डमी टेक्स्ट डॉट लेंथ इक्वल टू 0 है क्या, सबसे पहले अगर उसकी वैल्यू 0 है तो रिटर्न करना है मुझे, अगर डमी टेक्स्ट की वैल्यू ब्लैंक है तभी भी रिटर्न करना है। अलर्ट एक मार दिया, यहाँ पे आप दूसरी चीजें भी यूज कर सकते हो, बहुत सिंपल चीजें हैं, जैसे वो टोस्टिफाई के जो होते हैं जिसमें मैंने और भी वीडियोस बनाए हैं आप वो देख सकते हो। बहुत सिंपल तरीके से टोस्टिफाई को इंपोर्ट करना है और टोस्टिफाई को कॉल करना है, बहुत सिंपल तरीका होता है, लेकिन मैंने अलर्ट का इस्तेमाल किया है। तो
अगर यहाँ पे फंस गया मतलब कि वैलिडेशन नहीं होता है तो आप उसको रिटर्न करते हो, लेकिन अगर टेक्स्ट की वैल्यू नॉट जीरो है मतलब कि उसकी लेंथ जीरो नहीं है और कुछ तो दिया है, इसका मतलब उसने कुछ तो दिया है, तो मैं इसको अलर्ट मार के वो टेक्स्ट दिखा देता हूँ। ठीक है, ये इतना सिंपल वैलिडेशन है, कुछ बहुत बड़ा ताम झाम नहीं किया है मैंने, आप लोगों को समझ में आना चाहिए। और एक वेरिएबल के लिए एक यूज स्टेट आपको बनाना है, क्योंकि हर वेरिएबल की वैल्यू अलग तरीके से अपडेट होगी, अलग तरीके का फंक्शन रहेगा, अलग तरीके का वेरिएबल रहेगा। अब ये हो गया एक चीज ऊपर का, अब हो गया ये, अब ये दूसरी चीज आ गई ड्रॉप डाउन मेनू जो है उसके लिए भी मैंने एक दूसरा फंक्शन लिख रखा है। ड्रॉप डाउन मेनू में अगर आप देखेंगे तो जो भी चेंज होगा ड्रॉप डाउन का वैल्यू, मैं जब भी सिलेक्ट करूंगा तो ऑन चेंज पे सिलेक्ट हैंडलर नाम का एक फंक्शन कॉल होना चाहिए। ये सिलेक्ट हैंडलर जब मेरा फंक्शन कॉल होता है तो वहां से भी इवेंट जाता है, और इवेंट जो होता है वो जो ऑब्जेक्ट है उसमें सब पूरी दुनिया जाती है, सब कुछ जाता है, मतलब ये तो सिर्फ एक छोटा सा पार्ट है इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, लेकिन बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है, कभी आप कंसोल लॉग मार के देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन ये बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट होता है। तो मैंने क्या कर दिया कि जैसे ही ये आता है कुछ तो वैल्यू आ गई, तो मतलब कि कुछ तो चेंज हुआ, राइट। चेंज होने के बाद मैं यहाँ पे आता हूँ और जो भी टारगेट की वैल्यू है वो उसको मैंने डमी ड्रॉप डाउन नाम के वेरिएबल में डाल दिया, और फिर से वही वैलिडेशन लगा दिए कि डमी ड्रॉप डाउन की वैल्यू का लेंथ अगर जीरो है तो, या फिर उसका ब्लैंक है मतलब उसका वैल्यू ब्लैंक है, या वो नंबर नहीं है, क्योंकि 1 2 3 ऑप्शन है, अगर नंबर नहीं है तो अलर्ट दिखा दो और वापस भेज दो, उसके मुंह पे तमाचा मार दो कि मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, आपको जो करना है कर लो। अगर इन तीनों के अलावा है इसका मतलब कि वैलिडेशन सक्सेसफुल है, तो उसका स्वागत करो, उसको बोलो कि आपने थैंक यू वेरी मच, आपने ड्रॉपडाउन का एक वैल्यू सिलेक्ट किया जो मैं चाहता था वो आपने मुझे दे दिया। तो जब ये सब कुछ होगा मतलब कि रिटर्न नहीं होगा, देखिए ये रिटर्न हो गया दो में से एक बार तो ये यहां तक आएगा नहीं, राइट, यहां तक आ रहा है, इसका मतलब कि ये वैल्यू एल्स में गई और ये भी वैल्यू एल्स में गई। तो इस तरीके से हमने वैलिडेशन किया, एक ही फंक्शन एक ही पेज में एक ही इसमें किया, जितने वेरिएबल है उतने यूज स्टेट लिए और उतने यूज स्टेट का इस्तेमाल करके हमने सब चेक किया। इसमें वैलिडेशन बहुत डीप डाउन भी हो सकता है, जैसे कभी होता है ईमेल का वैलिडेशन तो ईमेल में @ है क्या, .com या .in या कुछ भी, जो कुछ भी उसका रहता है डॉट के बाद कुछ एटलीस्ट 2 अल्फा न्यूमेरिक स्ट्रिंग है क्या, ये बहुत सारे अलग अलग टाइप के होते हैं, लेकिन मैंने आपको सिर्फ एक पुश दे दिया कि आप किस तरीके से कर सकते हो, ये मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया कि आप बहुत सिंपल तरीके से रिएक्ट जेस में कर। इसमें सबसे कंफ्यूज होने वाली चीज सिर्फ यही है यूज स्टेट वाली, दोस्तों इसके साथ अलाइन हो जाओ क्योंकि ये आपको बहुत इस्तेमाल करना पड़ता है। और यूज स्टेट क्या है मैंने वीडियो बना के डाला है, आप उसको जरूर देख लेना अगर आपको नहीं पता तो। और मैंने इसकी पूरी प्लेलिस्ट पूरी की पूरी असाइनमेंट्स के 28 असाइनमेंट्स है मेरे पास, मैंने सब कुछ डाल रखा है, ये देखिए ये पूरा कोड मैं आपको दे रहा हूँ, और ये मेरा यूट्यूब का चैनल है, यहाँ पे जाके कमेंट जरूर कीजिए, आप जो भी कमेंट करेंगे मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि आपके हर कमेंट का जहां तक हो सके मैं आपको डेडिकेटेडली आंसर दूंगा, और आपको हो सके तो कॉल बैक भी करूंगा अगर आप मोबाइल नंबर देंगे और आपको मुझसे मदद की जरूरत है तो। तो ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।